हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आज हमारे पास पार्सल आया है, भाई ने भेजा है, इनकी भी शॉप है। तो इनके फ़ोन में जो प्रॉब्लम है बताया था इन्होंने, हमें भेजा है MI 11X। तो देखते हैं कि फ़ोन में क्या है, इनका मदरबोर्ड की कंडीशन क्या है, क्या नहीं है। तो इन्होंने फ़ोन तो बड़े अच्छे से पैक करके भेजा है अपना, तो देख लीजिए। फ़ोन तो खुला हुआ ही दिख रहा है हमें, हम डायरेक्ट प्लेट डाल रहे हैं तो बैक पैनल ओपन हो गया। तो अभी हम इसे ओपन करके चेक कर लेंगे कि फ़ोन में क्या कंडीशन है इसके मदरबोर्ड की। तो स्क्रू खोल लेते हैं मशीन की मदद से, सभी अच्छी तरीके से स्क्रू पूरे लगे, प्रॉपर स्क्रू लगे रहना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ पे भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हो, अगर स्क्रू लगे नहीं रहे तो बैड इम्पैक्ट पड़ता है आप पे उस पर। तो देख लीजिए, इसकी शील्ड वगैरह भी हम निकाल के देख ले रहे हैं, कैमरे वगैरह भी निकाल लेंगे। पीछे के मेन बोर्ड की कंडीशन देखनी है हमें, पीछे जो हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं, और इसकी जो रीडिंग आ रही है चार्जिंग पे वो आ रही है 01। तो इसका ऑलरेडी किसी ने इससे पहले इसके ऊपर के हीट सिंक कैप वगैरह निकाला हुआ है, कॉपर प्लेट निकाली हुई है इसकी। तो अभी हम इसकी जो शील्ड है वो अच्छी तरीके से ओपन कर लेंगे। वैसे डायरेक्ट भी CPU निकलता है, लेकिन CPU तो निकल जाएगा डायरेक्ट, लेकिन कई बार क्या होता है जो आजू बाजू CPU के आजू बाजू की जो जगह है वो क्लीन नहीं हो पाती है अच्छी तरीके से, इसलिए हम जो है इसको निकाल लेते हैं शील्ड अच्छी तरीके से कि हमें काम करने में आसानी जाए। तो देख लीजिए, अभी हम जगह वगैरह सब क्लीन कर लें अच्छे तरीके से, इसके बाद हम इसका जो है प्रोसेसर लिखा लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ज़्यादातर गाइस क्या होता है MI 11X में, ये फ़ोन जब हम गेम वगैरह खेलते हैं या हाई स्पीड मल्टीटास्किंग करते हैं उसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम ये आता है, ये फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने की वजह से कई बार ये फ़ोन में कई बार ग्राफिक्स भी नहीं आते, कई बार जो है डिस्प्ले ऑन नहीं होता है, कई बार फ़ोन भी ऑन नहीं होता है, कई बार रिंगर भी नहीं काम करता है, कैमरा भी काम नहीं करता, ऑडियो भी नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम आता है सब CPU की वजह से, CPU का काम नहीं करने की वजह से आता है, CPU के इंटरनल ट्रैक के ख़राब होने की वजह से। तो अभी हम ये देखो रोम IC निकल चुकी है, अभी हम जितना भी ग्लू है अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर देंगे, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक के ज़रूर बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, ये फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा देखने। हेलो, हाँ बोलिए भैया, क्या आपका फ़ोन रिसीव हो गया है? फोन तो रिसीव हो गया। फोन रिसीव हो गया, तो आपको हमारी सर्विस कैसी लगी है? सर्विस तो भैया MI ID पे अटका हुआ है भैया, वो एक्चुअल मैंने हार्ड रिसेट कर दिया। अच्छा, था हार्ड रिसेट तो कर दिया आपने? नहीं सका। अच्छा, तो MI अकाउंट में अटका हुआ है, तो MI ID अभी खोलने के लिए तो वही आप लोगों को बोलने थे आप लोग खोल देते, लेकिन हम बोलना चाहिए था, लेकिन कस्टमर को बोला पासपोर्ट दिया था, कस्टमर बाहर चला गया है ही नहीं। अच्छा अच्छा, अभी MI ID में अटका हुआ है। ऐसे भैया ऑफलाइन खोलने का कोई ऑप्शन नहीं है ना इसका? UMT पे ट्राई कर लीजिए एक बार आप। UMT से ना? जी हाँ, या तो हैंड से भी होता है, कई बार ट्रिक लगानी पड़ती है, हो जाता है। ओके, ऐसे भैया पैनल वगैरह बैक पैनल वगैरह खोलना पड़ेगा क्या? नहीं, बैक पैनल खोलने की जरूरत नहीं, वॉल्यूम अप दबा के कर लीजिए वाले मोड पे, MI वाले मोड पे, ठीक है? ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आपको भरोसा कैसे हुआ हमारे पास फोन भेजे तो आपने? नहीं नहीं नहीं, हमको पूरा ही भरोसा, अच्छा भी लगा आप लोग काम जैसे कुरियर किया उससे एकदम पूरा पैक करके भेजा, अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम मैं और भी सजेशन करूंगा और मैं ज्यादा से ज्यादा सेट भेजूंगा, तो मेरे पास और भी सेट है। अच्छा, तो आपकी शॉप कहाँ पे है वैसे? मैं भूटान में रहता हूँ। अच्छा अच्छा जी, बोलिए। मैं बोल रहा था जो प्रॉब्लम है ना M31, मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ परसों दिन भेज दूंगा, ठीक है? आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं आपको वही कुरियर कर दूंगा। कुरियर कैसे करना है आपको बता दीजिएगा, चार्जेस ज्यादा ले रहे हैं। चार्जेस ज्यादा ले रहे हैं आपसे, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से भेजना है डिलीवरी ऐप से, ठीक है? ठीक है, तो हमको फ्री टाइम हो गया, आपको हमको बता दीजिएगा। जी जी जी, चलिए ठीक है, ठीक है, आपको फीडबैक में दे दूंगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है, ओके वेलकम।
लीजिए गाइस, रूम आईसी हमारी बैठ चुकी है, हमने चेक करके भी देखा है और थोड़ा आड़ा तड़ा करके भी बोर्ड देख लेते हैं, सब कुछ बराबर है। तो ये बोर्ड की कंडीशन रही कुछ, अभी हम इसको मदरबोर्ड को डाल के चेक कर लेंगे। मदरबोर्ड ठंडा हो चुका है हमारा, डायरेक्ट हमको बोर्ड फिट करके चेक नहीं करना है, कभी भी मदरबोर्ड ठंडा होने देना है, उसके बाद ही फिट करना है। तो देख लीजिए अभी ये कंडीशन रही कुछ, हमारा जो फ़ोन है वो कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अभी हम देखते हैं ये फर्स्ट बूट लोगों में है, इसके बाद ये सेकेंड बूट लोगों में जाता है कि नहीं जाता है वो चेक कर लेते हैं हम। सेकेंड बूट लोगों में चले गया, इसका मतलब ये है जो हमारा फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। तो देख लीजिए फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अगर आपको भी कोई फ़ोन रिपेयर के लिए भेजना है तो हमारे जो नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, आप लोग उस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और या तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप जब मैसेज करेंगे हमें तो आपको ऑटो एड्रेस सेंड हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।